इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करेंगे आपके साथ VLOOKUP, हम बात करेंगे VLOOKUP लिस्टिंग मेथड, मतलब कि अगर आपके डेटा में मल्टीपल टाइम्स में डेटा एंट्री हो, एक डेटा कई बार रिपीटेड हो, तो उस केस में आप कैसे यूज करेंगे, ये हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले। ओके तो चलिए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ नेम है और मेरा नेम कई बार रिपीटेड है, तो मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं नेम को लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ इसे कहीं और जगह पे पेस्ट करता हूँ, और डेटा में जाके मैं डेटा वैलिडेशन क्या बोलते हैं रिमूव डुप्लीकेट कर देता हूँ, इससे क्या हुआ यूनिक नेम आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट में मैं यहीं पे डेटा वैलिडेशन करता हूँ, और डेटा वैलिडेशन में लिस्ट यहाँ पे लिस्ट, और हम यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेते, हो गया। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पे नेम सेलेक्ट करो और मुझे जो है इसका पूरा डिटेल्स आ जाना चाहिए। ओके मैं यहाँ सीरियल नंबर लगा देता हूँ, तो देखिए VLOOKUP के VLOOKUP से ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमें इसके लिए कुछ तिगम करना होगा। हम क्या करेंगे, इंसर्ट करते हैं एक नया कॉलम और यहाँ पे सीरियल नंबर देते हैं 1 2, हमें सीरियल नंबर मैनुअल नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मा लगाता हूँ, B2 से B2 कॉमा यहाँ पे B2 और वापस B2, देख रहे हैं सर? हाँ जी। अब मैं नीचे ड्रैग करने से पहले B2 को फ्रीज करूं, रेंज बन नीचे की तरफ ड्रैग करूं। जी हाँ, इससे क्या हुआ कि जहां ऐसे क्या हुआ कि इसे B2 से B2, B2 से B3, B4, B5 मतलब तो जहां काउंट कर रहा है वो अपने से ऊपर तक का ही रिजल्ट को ले रहा है, इसको डेटा को ले रहा है, अपने से नीचे का डेटा नहीं ले रहा है। बिल्कुल समझ गए। हाँ जी, फिर इसके साथ हम कॉन्कटा नेट लगाते हैं, डैश लगा दिया और हमने ले लिया इसका नाम, तो 1 कविता 2 कविता 3 कविता ये यूनिक बन जाएगा। फिर मैं यहाँ पे फॉर्मा लगाऊंगा काउंट इफ का, और हमने इसको काउंट कर लिया कि इसके अंदर कविता कितना कविता है, 8 है, 1 दिया। यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला कि इफ ऊपर वाले में प्लस 1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन 8 है तो ब्लैंक, तो यहाँ पे ब्लैंक, एल्स अपने अदरवाइज ऊपर वाले में प्लस बढ़ा दे। नीचे ड्रैग करने से पहले हम F4 करके इसको फ्रीज करते हैं, और इसमें एरर आने के चांसेस है, तो इफ एरर दिया, ठीक है। फिर वापस VLOOKUP लगाते हैं, इसको लिया कॉन्कैटेनेट डैश वापस कॉन्कैटेनेट कविता को हम ले लेते हैं कॉमा सर्च रेंज को सेलेक्ट किया मैच डेटा को सिलेक्ट करता हूं कॉमा 0 अगेन कॉमा 0, तो VLOOKUP और मैच एक साथ हमने इसे मिला दिया। अब नीचे ड्रैग आगे पीछे नीचे ड्रैग करना है, तो हम तो इसको एरे से भी कर सकते थे, कर दिया हम मैच में लगा के एरे भी कर सकते थे। सो एरे में मेरे को एक डाउट होता है, एरे में क्या हम सेल्स लॉक नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं कर सकते, इसमें इन्वर्टर को मामले देते हैं ना, वो सिलेक्ट नहीं कर सकते, बाकी सब जगह कर सकते। ठीक है, अब इसको आगे ड्रैग कर दीजिए और नीचे ड्रैग कर, लेकिन हम देखिए वही प्रॉब्लम आ गई, हम क्या करेंगे इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे कॉमा लाइन, समझ गए। Thank you.
अब यहां पे सिलेक्ट कीजिए आ गया सर। लेकिन मान लीजिए मुझे पूजा का रिपोर्ट चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए 51, 24, 78, -54 इस तरह से चाहिए। ये क्या है क्वांटिटी? मैंने ये हाँ क्वांटिटी मान लीजिए मुझे क्वांटिटी लेना है, या फिर मुझे स्थिति ही लेना है, या कुछ भी लेना, कुछ भी फील लेना है, उसको जितने भी रिजल्ट मिले वो एक सेल में यहाँ पे आ जाए। हम जो है उसके लिए यहाँ अलग अलग करना नहीं चाहते, समझ गए? तो ये चीजें 2016 तक तो पॉसिबल नहीं थी, पर 2016 के बाद ये पॉसिबल हो गई। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके लिए? इसके लिए लगेगा हमारा टेक्स्ट ज्वाइन। तो टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला क्या करता है कि क्या सेपरेटर चाहिए? हमने बोला कैमा सेपरेटर चाहिए। ब्लैंक को इग्नोर करना है, हाँ बोले हाँ, ब्लैंक सेल को इम्पैक्टेड सेल को इग्नोर करना है। और फिर हमने अपना रेंज सेलेक्ट कर लिया, मतलब क्वांटिटी करना है ना, हमने क्वांटिटी का रेंज सेलेक्ट कर लिया। तो एक जितने भी क्वांटिटी है सबको इसमें कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि सबका किया ना, मुझे सिर्फ पूजा का चाहिए, तो मुझे इसमें से वही रेंज चाहिए जो पूजा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे। इफ अच्छा, यहाँ पे ये एरे घुस जाएगा, इसमें एरे एरे मेथड हो जाएगा। अगर ए इक्वल टू पूजा है तो ए दिखे, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक हो जाए साइड में, जैसे फॉल्स पार्ट भी इसका फॉल्स पार्ट है ना। अब ये काम कैसे कर रहा है? तो इसके लिए फॉर्मूला में चलते हैं। If B2 to B58 is equal to N5, यहाँ देखिए ना, फॉर्मूला में दोबारा में ठीक है। फॉर्मूला बार में समझिए क्या है? सबसे पहले चेक करेगा कि कहाँ कहाँ पूजा है। जहां जहां पूजा है वहां वहां इसने कर दिया ट्रू, इफ प्रेस काम कर रहा है, ठीक है ना। और जहां जहां ट्रू है इफ ने वहां वहां उसकी वैल्यू डाल दी, और जहां नहीं है उसमें वहां पे ब्लैंक डाल दिया। अब टेक्स्ट ज्वाइन को इतने सारे नंबर्स और इतने सारे ब्लैंक मिला है, तो टेक्स्ट ज्वाइन को बोला गया है ट्रू, मतलब कि स्किप ब्लैंक। तो जो ब्लैंक है उसको स्किप कर देगा, जो नंबर है उसी को करेगा ये ज्वाइन। समझ गया? हाँ जी। ये ऑफिस 365 में आपको मिलेगा, उससे पहले के वर्जन में नहीं मिलेगा। okay. आपको 2019 में ऑफिस 365 है तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लोअर वर्जन में इसको हम BBS यूज करते थे। अब इसमें एक चीज और आगे करते हैं, इसी मेथड को लेते हैं, लुकअप मेथड को। जैसे मैं बताया कि लुकअप मेथड होता है, तो हमने इसको पेश किया। अब मुझे इसमें से यूनिक नेम चाहिए, कोई नेम रिपीट है, मुझे लिस्ट ऑफ द यूनिक नंबर चाहिए। तो कई तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एडवांस इसमें डेटा में जाइए, एडवांस फिल्टर लगाइए, यूनिक रिकॉर्ड ओनली कीजिए, या दूसरा इसको कॉपी करके कहीं रखिए, पेस्ट कीजिए, रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिए, क्या? या तीसरा है कि यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कीजिए और यहाँ पे आप कीजिए काउंट। काउंट इफ जो मेथड मैंने बताया था उसी मेथड को यूज करेंगे, और सारे वन वाले ले लो। और जी हाँ, वन वाले फिल्टर कर लीजिए। लेकिन बाय फॉर्मूला, मुझे फॉर्मूले के थ्रू चाहिए। तो एक एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है यूनिक का। अच्छा, देखिए ये भी फॉर्मूला आपका लेटेस्ट वर्जन का है यूनिक, समझे? यूनिक के अंदर आप लिस्ट डाल दीजिए तो यूनिक आएगा। अच्छा, देखिए मुझे इसी चीज को, लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन में, ओल्डेस्ट वर्जन में नहीं। अब मुझे इसी चीज को फॉर्मूले के थ्रू करना है, और ये ऐसा करना है कि हर वर्जन में काम करे, बात समझे? तो यहाँ पे सीरियल नंबर एंड नेम, और एक कॉलम इंसर्ट करेंगे,
और यहाँ पे वही हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाए, काउंट इफ और इसको हम फ्रीज करते और इसके साथ एन परसेंट देते हैं नेम, नेम नहीं सीरियल नंबर, नेम से मतलब थोड़ी है हमारा, हर नंबर का जो 1-1 लेना है यहाँ पे, 2-1 1-2 लेना है, दिख रहा है ना 1-3। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए मुझे किसका चाहिए, मुझे यहाँ पे मैंने लगा लिया फॉर्मूला मैक्स का, यही पे लगा सकता हूँ ना, 1 इक्वल इफ इसमें प्लस वन किया अगर वो ग्रेटर देन है मैक्स, मैक्स ऑफ दिस दिस एरिया, देन ब्लैंक, अदरवाइज इसमें प्लस वन कर, और इसे कोई फ्रीज कर, इसमें इफ एरर लगाना पड़ेगा ना, हाँ इफ एरर। और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, ओके सर। अब यहां पे वी लुकअप लगेगा, वी लुकअप में इसको सेलेक्ट किया डैश और हमने बोला 1-1, 2-1 समझे ना, तो निकाल क्या रहे हैं? अच्छा यूनिक नेम निकाल रहे हैं, जी हाँ यूनिक नेम नहीं, अब पता नहीं चला अभी तक आपको, समझ गया सर। अच्छा लेकिन दिक्कत है इसमें 9 है, नीरज नहीं आया, नीरज नहीं आया, ये तो नीरज क्यों नहीं आया, 9-1 इसमें 8 के आगे 9 नहीं आ रहा क्या? ओके ग्रेट, अच्छा मैं फॉर्मूला डाला था मैंने, नहीं फॉर्मूला तो है इफ एल 10+1, ओ सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पे मैक्स लगाया हुआ है, हम यहाँ मैक्स नहीं लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ, काउंट इफ इसको सेलेक्ट करेंगे, वन कितना बार है, इससे पहले भी काउंट इफ लगाया ना मैंने, आ गया। अब इसमें इसको इसको जो है इफ एरर लगा दीजिए, ठीक है, अब कोई नया नाम लिखता हूं, जैसे मैं लिख दिया इसमें अमित, आ गया सर, राजू, मोहन, मोहन तो है, ठीक है, आयुष्मान सर आपको इनसे एक बार